कई सालों पहले एक छोटे से शहर में एक खिलौने वाला रहता था जिसका नाम जेपेटो था। वो लकड़ी के खिलौने बना के बेचता था। उसे जिंदगी में एक ही दुख था कि उसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन जंगल में उसे एक पेड़ का तना मिला जो खिलौना बनाने के लिए सही था। बिल्कुल सही है ये लकड़ी, मैं इससे एक प्यारा सा पुतला बनाऊंगा। जेपेटो वो लकड़ी लेके अपनी वर्कशॉप की ओर चल पड़ा। अपनी टेबल पे उसे रख के उससे पुतला बनाना शुरू किया। अचानक से कुछ अजीब सा हुआ, एक आवाज आई उस लकड़े से। पहले तो जेपेटो चौंक गया, पर फिर उसे लगा कि उसने गलत सुना और उसने पुतला बनाना चालू रखा। और फिर वही आवाज वापस आई। लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे कान भी बजने लगे हैं। जेपेटो ने अपना काम चालू रखा। सबसे पहले पुतले का चेहरा बना, फिर उसके हाथ और पैर। जेपेटो का पुतला पूरा बन गया। उसे कुर्सी पर रख के उसने सफाई शुरू की। तभी उसे एक आवाज आई। हेलो। जेपेटो ने यहां वहां देखा, पर उसे पुतले के अलावा और कुछ नहीं दिखा, तो उसने अपना काम चालू रखा। थोड़ी देर में वो पुतला कुर्सी से नीचे कूदा और नाचने लगा। ये देख के जेपेटो का सर चकरा गया। अरे बाप रे, इस पुतले में तो जान है। ये कोई बच्चा तो नहीं था, पर बच्चों की तरह ही हंसता बोलता और नाच रहा था। जेपेटो ने उसे उठाया। अब से तुम्हारा नाम पिनाकियो है मेरे बच्चे। जेपेटो और पिनाकियो खुशी से रहने लगे। पिनाकियो के स्कूल जाने का समय हो गया था, पर जेपेटो के पास उसके स्टेशनरी के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए जेपेटो ने अपना कोट बेच के उसके पैसे पिनाकियो को दिए। पिनाकियो उन पैसों के साथ स्कूल की ओर चल पड़ा, रास्ते में सारे लोगों और दुकानों को निहारते हुए। अचानक उसे सामने एक जगह खलबली सी दिखी। क्या हो रहा है जानने के लिए वो भीड़ के बीच में गया और आसानी से उस पार पहुंच गया। छोटा सा उस पार था एक रंग बिरंगा टेंट, सर्कस टेंट। वहां पे एक जोकर टिकट लेने के लिए लोगों को बुला रहा था। पिनाकियो को देखना था कि अंदर है क्या, पर उस जोकर ने उसे रोक लिया और कहा, अंदर जाने के लिए पैसे लगते हैं। पिनाकियो को उन पैसों का ख्याल आया जो जेपेटो ने उसे स्कूल के लिए दिए थे। पैसे हैं मेरे पास। उसने वो पैसे निकाले और जोकर को दे दिए। टेंट के अंदर बड़ा मजा आ रहा था। उसने वहाँ कुछ पुतले देखे जो स्टेज पे नाच रहे थे। ये दोनों भी लकड़ी के बने हैं। पिनाकियो भी स्टेज पे चढ़कर उनके साथ नाचने लगा, पर ये वहाँ खड़े दर्शकों को नहीं पसंद आया। सर्कस का मालिक जो ऊपर से इन पुतलों को डोरी से नचा रहा था, बड़ा खुश हुआ एक जिंदा पुतला देख के। अरे वाह, क्या बात है, बिना डोरी का ये पुतला, ये तो मुझे अमीर बना देगा, माला माल बना देगा। शो के खत्म होते ही उसने पिनाकियो को पकड़ा और उसे बंदी बना लिया। पिनाकियो को बड़ा दुख हुआ कि उसने जेपेटो की बात नहीं सुनी और स्कूल नहीं गया, तो वो रोने लगा। पिनाकियो को इस तरह
अफसोस करते हुए देख एक फेरी वहां आई। तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए थी, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, पर वही गलती फिर मत करना। पिनोकियो बहुत खुश था। पर अब कोई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? फेरी ने जादू किया और पिनोकियो के हाथ में पैसे आ गए। इस पैसे का गलत इस्तेमाल मत करना, अब सीधे स्कूल जाओ। फेरी ने उसे सर्कस से छुड़ा लिया। खुशी से घूमते गाते पिनोकियो स्कूल की ओर चल पड़ा फिर से। उसे इतनी खुशी में देख चालाक लोमड़ी और उसका दोस्त बावली बिल्ली उसके रास्ते में आ गए और उससे पैसे ठगने का प्लान बनाया। अरे भाई, इतने झूमते घूमते कहाँ जा रहे हो? मैं अपने लिए स्टेशनरी खरीदने जा रहा हूँ। अरे इतने से पैसे में स्टेशनरी कौन देगा मेरे भाई? मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा? हमें ये पैसे दे दो, हम इसे जादुई खेत में बो देंगे, फिर तुम्हारे पास भी एक अपना धन वृक्ष होगा, जब चाहो जाके उसमें से पैसे तोड़ लिया करना। भोले भाले पिनोकियो ने लोमड़ी की बात मान के उससे पैसे दे दिए। पैसे लेके लोमड़ी और बिल्ली उड़नछू हो गए। पिनोकियो को चिंतित देख के फेरी फिर से आई। तुम अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे? मैंने जो पैसे दिए थे स्टेशनरी के लिए वो कहाँ है? फेरी को मालूम था कि उसने पैसे लोमड़ी को दे दिए हैं। उसने पिनोकियो से कहा, मुझसे झूठ मत बोलना वरना पनिश करूंगी मैं। फिर भी पिनोकियो ने झूठ बोला। मैंने स्टेशनरी खरीद लिया पर स्कूल में रख दिया है। इतना बोलते ही उसकी नाक लंबी होने लगी। क्या तुम सच कह रहे हो? जैसे जैसे वो झूठ बोलता गया उसकी नाक और लंबी होती गई, इतना लंबा कि अब सर हिलाना मुश्किल हो गया था। अरे रे रे, ये क्या हो रहा है? फिर उसने फेरी को सच सच सब बता दिया कि क्या हुआ था। पिनोकियो ने सच्चाई का रास्ता चुना, इसलिए फेरी ने उसकी नाक ठीक कर दी। मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुमने सच कहा। जादू से उसने वो पैसे पिनोकियो को दे दिए जो लोमड़ी ने उससे लिए थे और उसे समझाया कि पैसे बर्बाद ना करे फिर से। पैसों को हाथ में लिए पिनोकियो झूमते गाते फिर से आगे बढ़ने लगा और अब एक नई मुसीबत सामने आई। सर्कस का मालिक जिसने उसे बंदी बनाया था वही खड़ा था। सर्कस वाला पिनोकियो से बहुत नाराज था क्योंकि वो वहां से भाग गया था। वो उसे पनिश करना चाहता था। उसने पिनोकियो को उठा के समंदर में फेंक दिया। पिनोकियो समंदर में गिरा तो सही पर डूबा नहीं, वो ऊपर ही रहा क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ था। उसको ऊपर रहने में बड़ा मजा आ रहा था और उसने हाथ पांव चला के तैरना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे किनारे की तरफ जाने लगा। अरे ये क्या हुआ, कहाँ हूँ मैं? पिनोकियो ने अचानक खुद को एक अंधेरी सी जगह में पाया। इधर उधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। असल में पिनोकियो को एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया था और अब वो उसके पेट के अंदर था। दूसरी तरफ जेपेटो पिनोकियो को लेकर चिंतित था और उसे ढूंढने बाहर निकला। पिनोकियो, पिनोकियो! आखिर में वो उस जगह पहुंचा जहां से पिनोकियो को समंदर में गिराया गया था। वहां मछुआरों से पूछा। एक मछुआरे को पता था उस लड़के के बारे में। उसने बोला कि वो समंदर में गिर गया था। जेपेटो ने उसे मदद मांगी।
उन्हें मालूम था कि जेपेटो एक अच्छा इंसान है। वो तैयार हो गए उसकी मदद करने के लिए। जेपेटो को उसने एक छोटी सी नाव दी पिनोकियो को बचाने के लिए। जेपेटो नाव लेके समंदर में जाता रहा। थोड़ी देर में एक भयानक तूफान आने लगा। इस छोटी सी नाव से बड़े बड़े लहरों का सामना नहीं किया गया और वो डूब गई। और जेपेटो अचानक समंदर के पानी में था। जेपेटो की उम्र बहुत ज्यादा थी और उसे तैरना भी नहीं आता था। वो समंदर की गहराइयों में जाने लगा। उसी समय जिस बड़ी मछली ने पिनोकियो को निगला था, उसी ने जेपेटो को भी निगल लिया। जेपेटो उसके गले से उतर के सीधा पेट में गया और उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उसे ये आवाज एकाएक पहचान में आ गई। पिनोकियो, मेरे बच्चे, तुम मिल गए आखिर। कितना परेशान था मैं। अपने पापा की आवाज सुनके पिनोकियो रोते हुए उनसे गले मिला। सॉरी पापा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मुझे माफ कर दो। अब से मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। ये देख के कि इस बार पिनोकियो सच में बुरा महसूस कर रहा था, फेरी ने उन दोनों को मछली के पेट से निकाल कर सही सलामत किनारे पे पहुंचा दिया। उस दिन से पिनोकियो सयाना हो गया और हमेशा अपने पापा की सुनता। हर रोज वो स्कूल जाता और स्कूल के बाद पापा की मदद करता। फेरी ने देखा कि पिनोकियो ने खुद को इतना अच्छा बच्चा बनाया और उसे इनाम देने की सोची उसने। एक रात जब पिनोकियो सो रहा था, वो उसके पास आई और उस पे जादू किया। सुबह होते ही पिनोकियो स्कूल के लिए तैयार होने लगा। उठते समय उसे महसूस हुआ कि कुछ अलग है। उसने अपने हाथ देखे, फिर बाकी शरीर देखा। वो चौंक गया। वो अब लकड़ी का ना रहा। वो सभी इंसानों की तरह था, वैसी ही चमड़ी थी। वो कूद के अपने पापा के पास गया। पापा, पापा, मुझे देखो। अपने बेटे को पूरी तरह इंसान हुए देख जेपेटो बहुत खुश हुआ। पिनोकियो, अब तुम मेरे असली बेटे हो। पापा बेटे दोनों गले मिले, आंखों में आंसू लिए खुशी के। पिनोकियो ने फिर कभी झूठ नहीं कहा और उसकी नाक जैसी की तैसी रही।